हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मूविंग ऑन, एक खबर जो है वो दिल्ली से है। कोरोना मृत्यु के आंकड़ों को लेकर विवाद अब दिल्ली में भी पैदा हो गया है। दरअसल दिल्ली में कोरोना के अब तक करीब 7,000 मामले आ चुके हैं सामने, जबकि 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इन आंकड़ों पर अब सियासत शुरू हो गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार कोरोना से मौत के आंकड़े छिपा रही है। बीजेपी अस्पताल के आंकड़े और राज्य सरकार के आंकड़ों में अंतर का दावा कर रही है। पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट किया है, आप शव छिपा सकते हैं लेकिन सच नहीं छिपा सकते। दिल्ली में कोरोना से सैकड़ों मौतें हो रही हैं। सरकार का झूठ पकड़ा गया है, सरकार मौतों को छिपा रही है। अस्पतालों का जो हमने कल देखा, एम्स के डायरेक्टर खुद बोल रहे हैं कि वहां 14 मौत हुई, सरकार ने 2 बताई। राम मनोहर लोहिया के MD खुद बोल रहे हैं कि वहां पर 55 मौत हुई है, सरकार ने 20 बताई है। लेडी हार्डिंग में 3 मौत हुई है, सरकार ने 0 बताई है। मैक्स हॉस्पिटल में 20 मौत हुई है, सरकार ने 4 बताई है। ये हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में लिखकर आ गया है। दिल्ली सरकार की पूरे विवाद पर अपनी दलील है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि मृत व्यक्ति को लेकर कई अस्पताल पूरी जानकारी दे ही नहीं रहे, जिसके बाद सभी अस्पतालों के लिए नया आदेश जारी किया गया है। सरकार ने कहा है मौत की वजह की पूरी जानकारी सरकार को भेजी जाए, मौत के आंकड़ों पर SOP का पालन हो, रिपोर्ट भेजने में देरी नहीं की जाए, अस्पताल रोजाना शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भेजे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, आप कह दीजिएगा मेरे यहाँ 100 मौतें हुई, अब 100 मौतें हुई हॉस्पिटल जैसे है, एक हॉस्पिटल किसी का भी नाम ले लीजिए आप, उसी पीरियड में पिछले साल कितनी मौतें हुई थी अगर आप देखेंगे उस महीने के अंदर, हो सकता है उसके अंदर उससे भी ज्यादा मौत हुई है, उसके बराबर मौत हुई हो, तो उनको लिख के देना पड़ेगा ना कि कोविड से मौत हुई है, इसके ये पैरामीटर थे, ये डिटेल्स थी, इसका नाम था, इसका आदमी है, औरत है, एज क्या है, हार्ट फेल्योर हुआ नहीं हुआ, तो डेथ समरी में जो चीजें आती होती। इस बीच दिल्ली सरकार ने 3 और निजी अस्पतालों को कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है। दिल्ली में अब कुल 10 अस्पतालों में कोरोना का इलाज होगा। वहीं कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों का भी इलाज अब घर में ही होगा। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं, उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है, उनको अस्पतालों में आने की जरूरत नहीं है।